यही एक कारण है कि ये यहाँ पे काफी सालों से आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिप्लॉन। आज हम लोग एक नई लोकेशन पे आए जहाँ पे कि हम लोग डोमिसाइल क्रेन देख रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी आपको हमारी बहुत ही अच्छी लोकेशन हमने आपको बताई थी जहाँ पे हमने डोमिसाइल क्रेन्स देखी थी, और वहाँ पे उनको देखने के बाद हमारा मन नहीं भरा तो हम लोग फिर से एक नई लोकेशन पे आ गए जहाँ पे कि यहाँ पे इस नई लोकेशन पे ये बहुत ज्यादा तादाद में है। और पिछली जो हमारी लोकेशन थी उसका वीडियो आपने अभी तक देख ही लिया होगा। उस लोकेशन का नाम था गुडा विष्णुइया, और गुडा विष्णुइया से हमारा जी नहीं भरा तो हम लोग आ गए खिचन। तो अभी हम लोग खिचन विलेज आ गए, और खिचन विलेज में जो इसकी खासियत है वो यही कि यहाँ पे डोमिसाइल क्रेन आती है और हर साल आती है। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो देंगे। हमारे साथ अभी आज है अरुण जी। अरुण जी आप बताइए। बहुत पुराने सालों से चल रही है ये परंपरा है, बहुत पुराने साल से आ रहे है हमारे पूर्वजों के टाइम से। ये इनका समय बहुत अटूट रहता है, ये सितम्बर में आती है सर्दियों के समय से पहले थोड़ा, और वापिस मार्च अप्रैल के समय में चली जाती है। मार्च लास्ट है ना। हाँ, ये ठंडे वातावरण में रहती है। ताकि अभी ये तालाब पर है तो तालाब के पास में पानी से होकर ठंडी हवाएं जाती है, के कारण इनका मानसिक संतुलन है जो बना रहता है, इसलिए ये ज्यादातर यहाँ पे रहती है। अभी हम लोग दोपहर में आए थे, दोपहर में जब हम लोग आए थे तो ये जो हमारे पीछे आप तालाब देख रहे हो, इस तालाब के पास में एक तालाब और है, तो उस तालाब में हम लोगों ने इनको काफी अच्छे से शूट किया था। इनको पानी पीते हुए भी देखा, इनको लड़ते हुए भी देखा, इनको चलते हुए भी देखा, उड़ते हुए भी देखा। हमने काफी अच्छा शूट किया, वो आपने अभी तक देख लिया होगा। चल रहे ना, अभी शाम का टाइम हो चुका है तो क्रेन्स पानी के पास तो नहीं है, पीछे देख रहे हैं वो हमारे पीछे बहुत दूर है, तो अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं उनको देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं और उनको हम लोग बहुत पास से देखते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? और दाना चुग रही है। अच्छा, दाना चुग रही है अभी, वहाँ पे दाना है। इतनी दूर किसने डाला? उधर खुला मैदान है। अच्छा, रेस्क्यू आप ही करते हो? आ जाओ इधर ही आ जाओ, फिर आप भी बताओ। गाइस, मेरा नाम है नवीन पक्षी प्रेमी, खिचन विलेज से। इनका नाम डेमोसाइल क्रेन है, मंगोलिया से आती है। 6,500 किलोमीटर एक सप्ताह फ्लाइंग करके अगस्त को आती है, और अब इस बार लेट आई है, 3 सितंबर को आई है, और मार्च एंड तक चली जाती है। दिसंबर के महीने में सबसे ज़्यादा रहती है। आज की संख्या है 25,000। इनका ना ये मंगोलिया से आएगी तब एक साथ उड़ेंगी, कम से कम वहाँ से 1,00,000 उड़ेगी, फिर अलग अलग भारत के कोनों में चली जाएगी। इनने जैसे कहा गुड़ा में, राजस्थान में 50 क्षेत्रों में ये जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा खिचन में ही आती है। गुड़ा विष्णुई भी सेम केस था, वहाँ पे भी इनको बाजरा वगैरह डाला जाता है तो वो उसको खाने के लिए आती है। यहाँ पे भी सेम वही केस है, यहाँ पे भी एक लोकेशन है जहाँ पे मॉर्निंग में बाजरा खाने आती है। हम लोग वहाँ पे तो नहीं जा पाए, बट अभी हम लोग आपको यहाँ जो पीछे जो बर्ड्स देख रहे हैं हम लोग वहाँ जा रहे हैं, आपको बताते हैं कि वो कैसे देख रही है। चलो चलते हैं। तो जब तक हम लोग बर्ड्स तक पहुँच रहे हैं, आपको अरुण जी, और आपका नाम क्या बताया था आपने? नवीन पक्षी प्रेमी। तो अरुण जी और नवीन पक्षी प्रेमी अपना इनके बारे में एक्सपीरियंस और शेयर करेंगे जब तक हम लोग वहाँ तक जा रहे हैं। ये सुबह 6 बजे जाएंगे चुगागढ़, चुगागढ़ से चुगा चुकने के बाद 10 बजे इस तालाब पे आएगी। यहाँ पे आने के बाद 2 बजे इस तालाब का पानी पीगी, और छोटे छोटे कैल्शियम कंकड़ चुगी थी यहाँ के। कैल्शियम कंकड़ है यहाँ पे, इसीलिए ये आती है। अच्छा, इनकी तीन बात है यहाँ पे आने की। पहला, यहाँ पे जो छोटे छोटे कैल्शियम कंकड़ है उसके लिए आती है, और दूसरा जो जवार बाजरी होता है वो इनको मिल जाती है गर्म चीजें यहाँ की, और मेन बात इनकी सेफ्टी है, वो सेफ्टी इनको मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे जैसा अरुण जी ने बताया था हमको, अरुण जी ने बताया कि यहाँ पे एक बाड़ा है तो वहाँ पे इनको दाना डालते हैं, उसके बारे में बताओ आप। पक्षी चुगागढ़ फील्डिंग ग्राउंड के नाम से है, वहाँ पे वो सारा जैन समाज का डोनेट आता है यहाँ से। यहाँ को इनको डेली का फूड डाला जाता है 15 क्विंटल। 15 क्विंटल डेली? 15 क्विंटल और सारा डोनेशन आता है बाहर से जैन समाज का। अच्छा, और यहाँ के वो टूरिस्ट आते हैं वो डोनेट करते हैं, और जो यहाँ पे घायल बर्ड होती है उनका रेस्क्यू मैं करता हूँ। तो जो अभी जैसे शाम को अगर बाई चांस कोई घायल हो गई तो ये सब उड़ जाएंगे, उसका जो बचेगी उनका रेस्क्यू आप ही करोगे। एक एम्बुलेंस सुविधा भी है इनके लिए, जो हमारे सेवाराम जी माली अभी वो सेवा दे रहे हैं फिलहाल, तो उनके पास ही है, उनका बहुत बड़ा योगदान है इन पक्षियों में, पक्षियों के लिए। इनका लमसम ये पूरी जो ज़मीन है इसके आसपास में, ये तो तारबंदी बोलते हैं हम इधर, जाली तारबंदी किया हुआ है यहाँ पे। हाँ, ओके। तो उसके कारण क्या है, कोई कुत्ता है वगैरह है और कोई जानवर है वो इनको आनी नहीं पहुँचा सकते, तो ये इनके लिए मेरे हिसाब से सबसे सेफ जगह है। तो इनकी सेफ्टी है तो इसलिए भी एक कारण इनके यहाँ रुकने का कारण, तो दो तीन कारण हो गए इनके यहाँ रुकने का। एक तो इनको सेफ्टी मिल रही, क्योंकि चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरिंग की हुई है, तो कोई भी कुत्ता या फिर कोई भी बड़ा जानवर अंदर नहीं जा सकता।
और उसके अलावा इनको यहाँ पे खाने को, जैसे अभी नवीन जी ने बताया कि इनको यहाँ पे कैल्शियम के छोटे छोटे कंकर मिल जाते हैं खाने को, इनको दाना भी मिल जाता है, तो यही एक कारण है कि ये यहाँ पे काफ़ी सालों से आ रही है। अभिषेक बताओ, बर्ड्स को बताओ, जूम करके भी बता सकते हैं। तो अब ये जो देख रहे हैं सामने बर्ड्स है, ये अभी पानी के पास थी दोपहर में और अभी यहाँ पे शाम के टाइम यहाँ आ गई है। तो ये यहीं रहेगी शाम को या कहीं चली जाएगी फिर? 35 किलोमीटर दूर बापरेण में जाएगी। बापरेण में जाएगी 35 किलोमीटर दूर? अच्छा, डेली 35 किलोमीटर उड़ती है। 6 बजे जाएंगी अच्छा, ये जो जैसलमेर जाते हैं जो राइट साइड में जाता है वो वही है ना, वही जगह है ना? जैसलमेर जाते हैं जो राइट साइड में आता है, बहुत बीकानेर के रास्ते में ना, अच्छा बीकानेर के रास्ते में आता है, वहाँ पे दिन भर वर्कर काम करके निकालते हैं और ये रात को जाके बैठ जाती है। ये जब वो बीट करती है ना तो वो लाल पड़ जाता है नमक, इसलिए वो थोड़ा नमक खराब हो जाता है, बाकी नमक टूटती है। और रात को जब सोती है इनके ऊपर 8-10 बर्ड उड़ते रहते हैं, ध्यान रखते हैं, हर एक गलती से चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे जो कोई भी गाय कुत्ता आदमी पास जाए तो ऊपर से चिल्लाती है, जो नीचे सारी उड़ जाती है। यहाँ पे भी तालाब पे भी वो सेम ही सिस्टम है, ऊपर से चिल्लाएगी नीचे सारी उड़ जाएगी, हर एक 1.5 घंटे में चेंज होते रहते हैं बर्ड। और ये इनका एक मेन आकार है, सिर्फ वी में या एल में चलेगी, तो वी या एल में चलेंगी। ये उड़ते समय यही है, एक कतार में चलती है। उड़ने का कि ये वी में उड़ेगी ना तो 6,500 किलोमीटर एक हमारे भाषा में बहुत कितना है, जो पक्षियों में एक नॉलेज है, ये ऐसे उड़ेगी ना तो हवा को चीरते हुए चलेगी। अच्छा अच्छा, उससे फोर्स ज्यादा होगा। कुत्ता आ गया अंदर, वो देखो। नहीं, कुत्ता आने नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, नहीं पहुंचाएगा। ये जो अभी बोला ना 4-5 पक्षी उड़ते रहे, ये दूर जा रहे हैं। अच्छा, इसको जगह दे देते हैं, जगह मिल गई उसको। ये टूरिस्ट, अभी ये टूरिस्टर को आने के लिए गेट खोला, उससे अंदर आगे होगा। अब ये देख सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, जैसा भी इन्होंने बताया, ये बर्ड्स बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि इनमें बहुत ही, क्या मैं वर्ड बोल रहा हूँ, ये बहुत ही वेल प्लान्ड फेज में चलती है और इनका जो रूटीन है वो बहुत ही फिक्स्ड रूटीन है, स्ट्रिक्ट रूटीन है। और इनका फिक्स है टाइमिंग, बिल्कुल सही टाइम पे आती है ये। कब जाएगी ये? मार्च एंड में आ सकती है। मार्च एंडिंग नहीं, अभी रात में निकल जाएगी। नहीं, अभी रात को, अभी 6 बजे के बाद साफ हो जाएगी, सब साफ हो जाएगी, सब चली जाएंगे। हाँ, और ये 6 बजे 35 किलोमीटर दूर जाएंगी यहाँ से, और फिर वहाँ पे रात में नाइट स्टे इनका वहीं रहेगा। और जैसा भी इन्होंने बताया कि इनके ऊपर 10-15 पक्षी उड़ते रहेंगे और वो मॉनिटरिंग करेंगे कि इनको कोई ख़तरा तो नहीं है, और ये रोटेशन में मॉनिटरिंग करते रहेंगे, और जैसे ही सुबह होगी तो ये वापस यहाँ आ जाएगी। और मैं जब तक अंदाज़ा लगाता हूँ, मेरे हिसाब से APJ अब्दुल कलाम जी ने इनके ऊपर कुछ रिसर्च किया था, उनसे ये मालूम पड़ता है कि ये पक्षी ज़्यादातर लंबी उड़ान के लिए बने हुए हैं। ओके, ये 6,000 किलोमीटर से आते हैं दूर साइबेरिया से, इनका रास्ता भी चूक नहीं होता, समय भी चूक नहीं होता, ये ऐसे ही वातावरण में डले हुए हैं, अभी बहुत पुरानी परंपरा से ही आ रहे हैं। तो अरुण जी, आपके ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जी, आपको भी हमारी तरफ से धन्यवाद, आपने हमारे चैनल में आके इन बर्ड्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हम लोग फिर से आए तो दोबारा हम लोग मिलेंगे। जी सर। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ये वाला वीडियो यहीं क्लोज करेंगे और हम लोग मिलते हैं नई लोकेशन पे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।